गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ खूबसूरत से प्यारे से काले घने बालों का राज, जो कि इस समय आप मेरे हेयर्स देख सकते हैं। मेरे जो ये बाल हैं नकली नहीं, असली हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने बालों के लिए क्या यूज़ करती हूँ। एक्चुअली में हुआ ये है कि एक व्यूअर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि उनके ड्राई हेयर हैं, तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि मैं उनके लिए जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। तो मैं उनको बताने वाली हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ जिससे मेरे बाल इतने अच्छे हैं और काले हैं, लॉन्ग भी हैं, सिल्की भी हैं, शाइनी हैं। मैंने सिल्क एंड शाइन वगैरह कुछ नहीं लगाया है। इवन मैं अपने बालों पर कंडीशनर भी बहुत कम करती हूँ। मैं एक बात और बता दूं आपको कि मैं रिव्यू नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट वो प्रोडक्ट दिखाऊंगी आपको जो मैं इस समय यूज़ कर रही हूँ, जो काफ़ी अच्छा है। गाइस, मेरे पास है यहाँ पर ये आयुर हर्बल शैम्पू और ये आंवला सीका काई है। इसमें ये 3-4 पैकेजिंग में आता है, मुझे ये काफ़ी पसंद है। पिछले 5 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसकी दूसरी बॉटल भी है मेरे पास, और ये इस तरह की पैकेजिंग में भी आता है। ये इसी में का है और ये भी आंवला सीका काई है, बट ये बॉटल ख़त्म हो चुकी है, खाली है, आप देख सकते हैं। और ये जस्ट अभी मैंने कुछ ही दिन पहले ली है। ये एक बॉटल मुझे 6 से 7 महीने आराम से चल जाती है और बहुत महंगी भी नहीं होती है, बहुत कम प्राइस इसका होता है। ये 230 रुपये की है और मेरे 6 से 7 महीने आराम से इससे निकल जाते हैं। और सीरियसली गाइस, आप देख सकते हैं मेरे जो हेयर्स का राज है बस यही है। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि तुम क्या यूज़ करती हो, तो मैं ये यही यूज़ करती हूँ। और जो ऑयल यूज़ करती हूँ, कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। गाइस, मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ। मेन चीज़ जो है इसमें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है और क्या प्रोडक्ट है ये बायआसा, बट गाइस, हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती है। कुछ चीज़ें जो चमकती नहीं है वो सच में पावरफुल हो सकती हैं। और इसमें सबसे मेन चीज़ है जो इसमें शीका काई और आंवला मिलाया गया है। तो आपको पता होगा कि आंवला में विटामिन सी होता है सबसे ज़्यादा, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रीठा, शीका काई, ये सारी चीज़ें हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। इसमें वो इंक्लूड है, ये 3 पैकेजिंग में है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, सिर्फ शैम्पू से कुछ नहीं होगा, सिर्फ शैम्पू लगा लेने से ऐसा नहीं है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। गाइस, इसके लिए आपको और भी कई सारी चीज़ें हैं जो फॉलो करनी होंगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बालों की केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बालों की केयर नहीं करते तो डेफिनेटली आपके बाल अच्छे हो ही नहीं सकते, सीरियसली। और चूँकि आप देख सकते हैं मेरे बाल जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ये लंबे भी बहुत हैं और सिल्की हैं, और नेचुरली मैंने अपने बालों पे इस समय कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, कुछ भी। सिर्फ मैंने अपना हेयर वॉश किया हुआ है, आपके सामने हूँ, जस्ट मैंने बाल सुखा लिए अभी। मैं इसको यूज़ करती हूँ और कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। और गाइज, मेरे हिसाब से ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 230 रुपये में 6 से 7 महीने आपका आराम से चल जाता है, तो मुझे तो बहुत पसंद है। गाइज, कुछ चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर अपने बालों की आप केयर नहीं करते हैं तो गाइज, आपके बाल कभी ठीक नहीं हो सकते, कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हों, तो उसके लिए आपको बालों का ध्यान रखना पड़ेगा। बालों को अच्छे से क्लीन रखिए, डस्ट पॉल्यूशन उनमें मत रखिए, साफ रखिए बालों को बहुत अच्छे से, और उनको पोषण दीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं बालों में ऑयल नहीं डालते हैं, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक आप करते हो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसी की वजह से क्रिएट होती है। बालों में ऑयल डालिए, बालों को पोषण की ज़रूरत है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या आप काम कर लेंगे? वैसे ही बालों का भी है, अगर आप उनको न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो वो कहाँ से अच्छे हो सकते हैं, खुद ही सोच सकते हैं आप। तो बालों को अगर अच्छा आपको चाहिए, खूबसूरत काले लंबे घने बाल चाहिए, तो बालों को हेल्दी रखना शुरू कीजिए और हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए। बाहर की चीज़ें कम खाइए, जंक फूड कम खाइए। देखिए गाइज, ये सिर्फ आपके बालों के लिए नहीं बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते हैं, आप अच्छा खाना पीना नहीं खाते हैं, तो आपकी बॉडी को तो वैसे भी न्यूट्रिशन की कमी होनी ही है, तो फिर आप भूल जाइए कि आपके बाल भी अच्छे हो सकते हैं। और इतने लंबे बालों को संभालना भी बहुत बड़ा काम है, मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी।
बट गाइस सीरियसली, अगर आप ऐसे बाल चाहते हैं तो सच में आपको कुछ चीजें ही बस फॉलो करनी है। हेल्दी डाइट को अपनाइए, बालों का अच्छे से ध्यान रखिए, बालों में ऑयल डालिए, बालों की केयर कीजिए। और आप चाहो तो इस शैम्पू को यूज कर सकते हो, बाकी इसे ना यूज करो। तो मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है हेयर ग्रो करके, तो आप वो जाके देख सकते हैं। मैंने होममेड शैम्पू बताया है, वो हर चीज से बेस्ट है, मतलब उससे आगे तो कुछ है ही नहीं। मार्केट से ले लीजिए, मैंने सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है वीडियो में, तो वो सामान जो बताया है वो ले लीजिए और उसको सेम मात्रा में मिला के जैसे बनाना मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही बना लीजिए। और सीरियसली गाइज, आप 1 महीने उसको मेरे कहने पर यूज कर लीजिए। आप उसको वीडियो को देख के और सच में उसको यूज कीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। और ये जो शैम्पू है, इसे आप अगर अमेजोन से परचेस करते हैं तो थोड़ा डिस्काउंट इस पर चल रहा है, और इजीली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसे जाके से परचेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और इसमें जो बहुत अच्छे हैं पैकेजिंग जिनकी, और जो बहुत ज़्यादा कारगर हैं, मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कौन कौन ज़्यादा बेनिफिट वाले हैं। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद इसको यूज़ कर रही हूँ पिछले 5 साल से। मैंने बाकी की चीज़ें आपको नहीं बताई क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ जो यूजेबल हैं और जिनके बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। बाकी मैं कोई रिव्यू नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है आप लो या ना लो, लेकिन ये अच्छा है इसलिए आपको बताया क्योंकि मैं इसको खुद यूज़ कर रही हूँ और हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है, मुझे सीरियसली बहुत पसंद है ये। इसी बात पे वीडियो लाइक कर दीजिए। मैंने स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाया, आपको वो शैम्पू बताया जो मैं इस समय यूज़ कर रही हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए जिससे हम और आप रहें हमेशा कनेक्टेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।